वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Asus ZenFone Roam के बारे में, जिसको आप अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, क्योंकि इस रोम के इतने सारे फीचर्स हैं कि मुझे थोड़े बहुत तो आपको बताने ही पड़ेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि ये रोम आपको अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कौन से कैमरे काम कर रहे हैं, इसमें गूगल कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, और ये भी एंड में बताऊंगा कैसे आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक ये रूम पहुँच सके। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास Redmi Note 5 Pro है, इसके अंदर हमने आज जो है Asus का जो रोम फोन होता है ZenFone UI रोम इंस्टॉल कर रखा है, जो कि Android Pie पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सेटिंग्स में जाके कि हमारा रोम कौन सा है। ये देखिए सिस्टम में जाते हैं, अबाउट फोन में, ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 9 के ऊपर ये रन कर रहा है, और डिवाइस नेम आप Asus का देख पा रहे हो, क्योंकि Asus ZenFone का रोम है जो हमने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। तो कुछ लुक आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, आपको विजिट मिल जाता है, नीचे कुछ आइकन्स मिलते हैं, डॉक आइकन्स, नेविगेशन बार्स, गूगल का सर्च विजिट, और क्विक सेटिंग पैनल्स आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। इसके अंदर हम दो सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो एंड एयरटेल, जो दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ऊपर से हमारा वाईफाई नेटवर्क भी ठीक तरीके से इसमें काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप होम स्क्रीन के ऊपर, तो होम स्क्रीन की कुछ चीज़ों के फीचर्स के हम बारे में बात कर लेते हैं। आप इस पर थोड़ी देर टैप रखेंगे, नीचे आपको वॉलपेपर का सेक्शन मिलता है, विजेट का सेक्शन मिलता है, एडिट होम स्क्रीन एंड प्रेफरेंस। एडिट होम स्क्रीन में आप काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आइकन अलाइन कैसे करना है आपको वो कर सकते हैं, कौन से स्क्रॉल इफेक्ट चाहिए वो आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आपको होम स्क्रीन के अंदर किस तरीके के स्क्रॉल इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको लेबल कलर कौन सा चाहिए अपने आइकन्स का वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट आपको कौन सा चाहिए, काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, देख पा रहे होंगे कितने सारे फॉन्ट्स की लिस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और फोल्डर थीम आपको किस तरीके की चाहिए आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं, ये बारे में जिस तरीके से आप मैनेज करना चाहें वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं इनके एडिट होम स्क्रीन में। और प्रेफरेंस पे जाएंगे तो प्रेफरेंस पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे होम स्क्रीन के लेआउट में आप कितना रखने देते हैं, ग्रिड साइज क्या चाहिए, लेआउट साइज क्या चाहिए, ऑटो स्मार्ट ग्रुप चाहिए कि नहीं चाहिए, स्वाइप डाउन जेस्चर्स आपको चाहिए कि नहीं, सजेस्टर्स ऐप चाहिए कि नहीं, इन सब चीज़ों को आप यहाँ कर सकते हैं। आइकन पैक्स आप यहाँ पर और भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपने आइकन पैक को इंस्टॉल कर रखे हैं तो। ये सारी चीज़ें तो आपको होम स्क्रीन के अंदर मिल जाती हैं, और होम स्क्रीन के अंदर आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल मोबाइल मैनेजर, थीम्स, गैलरी, सेल्फी मास्टर। और थोड़ी बात मैं इन एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है यूनिक है, खासकर Asus फ़ोन के लिए ही आते हैं। तो मोबाइल मैनेजर में आपको एक तरीके जैसे MIUI के अंदर होता है सिक्योरिटी ऐप, जिसमें स्कैन वगैरह कैश क्लियर वगैरह होता है, वैसे होता है उसी तरीके से आपको सारा एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आपकी बैटरी बारे में बताएगा, रैम बताएगा, आपकी मेमोरी क्लीनर, पावर मास्टर, जो भी है आप इसको क्लीन अप टैप करके क्लीन अप कर सकते हैं, फाइल्स अपने फोन में से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका मोबाइल मैनेजर। थीम्स में जाके आप काफ़ी सारी थीम्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ थीम्स फ्री हैं, कुछ पेड थीम्स हैं। देखिए मैंने आपको एक थीम दिखाया, तो हमने एक थीम डाउनलोड की है, ये रही वो थीम ब्लैक कलर की, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि थीम्स अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं। तो थीम जो है थोड़ी देर में अप्लाई हो जाएगी आपके सामने, ये देखिए थोड़ा सा कलर बैकग्राउंड जो आपका चेंज हो गया है, क्योंकि टॉगल्स भी आपके चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से तो आप इसमें काफ़ी सारी थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं, और उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। बट मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ, तो Asus ZenUI के ही थीम को यूज़ करूँगा, ताकि आपको एक जो परफेक्ट लुक पता चल सके फ़ोन का कैसा है। अगली है गैलरी। गैलरी के बारे में आपको इतना नहीं बताऊँगा, गैलरी नॉर्मल है इसकी जो एज इट इज़ होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे सारे फोटोज, एल्बम, मोमेंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर आपको मेनू का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कोलाज, लॉक गैलरी, सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब सेल्फी मास्टर इनका एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको एक तरीके से अपनी फोटोज़ को मॉडिफाई यानी कस्टमाइज़ करने के पूरे ऑप्शन देता है। आप वीडियो शूट कर सकते हैं, फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, ब्यूटी लाइव का फीचर यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी जैसे जेन मोजी वगैरह, कॉलर्स वगैरह और स्लाइड शो से क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक फीचर और बता देता हूँ, देखिए अभी आपको यहाँ पे नेविगेशन बार नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करूँगा तो आपको नेविगेशन बार दिखेगा। अगर आप इस नेविगेशन बार को 24 घंटे यहाँ चाहते हैं, तो ये जो पिन का बटन है इसको दबाएंगे एक बार, और नेविगेशन बार जो है आपके यहाँ पर परमानेंट पिंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसको स्वाइप अप करके लाऊं, तो आप इसको फिर से दबाएंगे, अब जब भी आप स्वाइप अप करेंगे आपका नेविगेशन बार जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फीचर भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा है।
अब कैमरा कौन सा मिलता है, कैमरा इसके अंदर ऑसुस का ही मिलता है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपको वीडियो मोड मिल जाता है, कैमरा मोड मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है। प्रो मोड में आप काफ़ी सारी चीज़ों को मैनुअल तरीके से ISO वगैरह को सेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी फीचर्स फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। साइड में आप करेंगे तो आपको सुपर रेजोल्यूशन, GIF एनिमेशन के भी और टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि सारे के सारे जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं कैमरे को इसमें अच्छी तरीके से टेस्ट कर चुका हूँ। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो है मैनुअल कैमरा यानी कि कैमरा टू API जो है इनेबल्ड है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए कैमरा टू API इनेबल्ड है। दैट मीन्स कि आप इसके अंदर जो है गूगल कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी गूगल कैमरा इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए मैं गूगल कैमरे को लॉन्च कर देता हूँ। ये देखिए गूगल कैमरे में फोटो क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप नाइट साइड के ऊपर भी फोटो शूट क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए नाइट साइड के ऊपर भी फोटो क्लिक करता हूँ। ये देखिए साथ ही साथ इसमें वीडियो मोड भी ठीक तरीके से चल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक इसके अंदर देखने को नहीं मिली है कि नहीं कि गूगल कैमरे में प्रॉब्लम आ रही हो या दूसरा कैमरा हैंग कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वीडियो भी शूट हो रहा है, देखिए गूगल कैमरे के थ्रू आप वीडियो को भी इसके अंदर शूट कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल देखे जाए दोनों कैमरे जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अंदर और चल लेते हैं, आपको और क्या क्या एप्लीकेशन अंदर देखें। मुझे ऑसुस का फोल्डर मिलता है, उसके अंदर सारे आपको कैलकुलेटर, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, साउंड रिकॉर्डर, वेदर, वेब स्टोरेज के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। ऑसुस डाटा ट्रांसफर का भी एक ऐप आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ सेल्फी मास्टर मैंने आपको दिखा दिया था, मोबाइल मैनेजर भी आप देख चुके हैं। अब चलते हैं इनकी सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स का पैनल जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें कनेक्शंस, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऐप नोटिफिकेशन, साउंड वाइब्रेशन के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कनेक्शंस में आप अपने वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, सिम कार्ड वगैरह इन सब को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और जो चीज़ इनेबल डिसेबल करना चाहें कर सकते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेज में आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, जैसे ब्लूटूथ के साथ क्या कनेक्टेड है, वाईफाई के साथ क्या कनेक्टेड है, तो वो सबको मैनेज कर सकते हैं। बाकी साउंड वाइब्रेशन एंड स्टोरेज और मेमोरी की मैं इतनी बात नहीं करूँगा क्योंकि नॉर्मली सब लोगों को पता ही होता है साउंड के अंदर आपको इनके साउंड के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं आप। अब बात करते हैं इनके अगले चीज़ के बारे में, अगले फीचर के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हम डिस्प्ले चलते हैं। डिस्प्ले में आपको ऑटो ब्राइटनेस, स्लीप मोड मिलता है, हाइड नॉच अगर आपके फोन में नॉच है, ये रोम जो है काफ़ी सारे और फोन्स के लिए आने वाला है तो हाइड नॉच भी कर सकते हैं। नेविगेशन बार जो मेरे जी इनका सबसे बेस्ट फीचर लगा है। आपका जो बटन का जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। अभी नेविगेशन बार कुछ इस तरीके के हैं, आप इनकी पोजीशन, रीसेंट और बैक मेनू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको जैसे मैंने बताया था ऑटो हाइड का ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर देंगे तो अब आपका ये जो है परमानेंट हो जाएगा। उसी तरीके से आपको इसके अंदर जो है फुल स्क्रीन जेस्चर्स मिल जाते हैं, आप इनको यूज़ करके उस तरीके से सारे जेस्चर्स को अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सारा का सारा डेमो जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जिसको आप देख के तो सीख सकते हैं और इन जेस्चर्स को अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं अभी नेव बार को ही इसके अंदर यूज़ करूँगा। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, LED इंडिकेटर को ऑफ या ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। ये डिस्प्ले के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वॉलपेपर्स के अंदर आपको नॉर्मल वही वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनके स्टोर पर जाके आप काफ़ी सारे वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ अपने भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे, जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, लॉक स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, पैटर्न लॉक काम कर रहा है, तीनों चीज़ें काम कर रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसके अंदर जो है फेस अनलॉक को भी सेट कर रखा है और साथ साथ फिंगरप्रिंट भी। तो अभी देखिए मैं फेस अनलॉक से इसको खोलता हूँ एक बार। देखिए हम फेस अनलॉक से खोलते हैं, ये देखिए फेस अनलॉक से जो हमारा फ़ोन खुल गया है। अब मैं इसको फिंगरप्रिंट से खोलता हूँ, ये देखिए फिंगरप्रिंट से अभी फेस अनलॉक डिटेक्ट कर लिया है इसने, बट मैं थोड़ा सा साइड में करके उसको फिर फिंगर से खोलता हूँ। ये देखिए फिंगरप्रिंट से भी हमारा काम कर गया। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और पैटर्न लॉक भी आपका बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लैग देखने को मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। एडवांस में जाके आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ट्विन ऐप्स यानी किसी भी ऐप के आप क्लोन बना सकते हैं, जैसे फेसबुक के आप दो फेसबुक अकाउंट यूज़ करते हैं, आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप दो फेसबुक को अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे फेसबुक का आइकन ऐड हुआ होगा या फिर आप उसको देखिए एडिट सक्सेसफुली, एक फेसबुक का आइकन यहाँ पे ऐड हो गया है, एक फेसबुक यहाँ पे है, एक फेसबुक की डमी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप ये ट्विन ऐप्स के फ़ायदे उठा सकते हैं। उसी तरीके से गेम जेनी हो गया, जेनी मेरे को नहीं पता है, मैं ऑफिस का फ़ोन यूज़ नहीं किया है, बट फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके और मोस्टली सभी काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सब दिखाने वाले हैं, सारे फीचर्स जो हैं इसके ठीक काम कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी, अब कॉल करके दिखा देता हूँ। वो कॉलिंग में एक प्रॉब्लम है, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। आप कभी भी जब कॉल कनेक्ट करते हैं तो आपके साथ सामने जो है टाइमर नहीं आता है, फ़ोन जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो जाता है। हमने जियो से फ़ोन कनेक्ट किया है, आपको नीचे कॉन्टैक्ट्स, ऑटो डायल, कॉल रिकॉर्डिंग, स्पीकर, म्यूट, कीपैड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये देखिए कॉल टाइमर आपको नहीं मिलता है, स्पीकर में जियो का फोन हमने कनेक्ट कर रखा था, कॉल टाइमर आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो एक छोटा सा बग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस रूम को बेंचमार्क स्कोर क्या मिला है और पबजी मोड जो है
कौन से मोड पे चलता है पबजी गेम। तो बेंचमार्क स्कोर हम दिखा देता हूँ आपको, बेंचमार्क स्कोर मिला है इसको 128316 जो कि MIU रोम से काफ़ी ऊपर है। MIU रोम को अराउंड 11 के आसपास ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाया है, तो 128316 इसको मिलता है। अब पबजी की बात करते हैं, पबजी आप कौन से मोड पर खेल पाते हैं, तो पबजी आप इसके अंदर जो है HD मोड पर खेल पाते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्राफिक के ऊपर, ग्राफिक के पेज पर हम चलते हैं, आप HD मोड और हाई ग्राफिक फ्रेम रेट पे इसको खेल लेते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसके अंदर जो है एक गेमिंग का वो ऑप्शन मिल जाता है, गेमिंग जिनी, जो आपकी स्पीड अप परफॉर्मेंस को स्पीड अप कर सकता है आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को, ताकि आपका जो गेम है वो जो लैग ना करे और अच्छी तरीके से आप इस गेम को ठीक तरीके से अपने फ़ोन के अंदर खेल सकें। तो पबजी जो है आप इसके अंदर HD मोड पे खेल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन के अंदर कस्टम TWRP या कोई भी रिकवरी होनी चाहिए। मैं एक फ़ाइल जो है सेव कर चुका हूँ इस अपने फ़ोन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है वो रोम की फ़ाइल जिसको आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ये वो फ़ाइल है XOOQDZenUI5। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद आपको अपने फ़ोन को TWRP कस्टम रिकवरी मोड पे लेके आना है। जैसे ही आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है, आपको अपने फ़ोन के अंदर वॉल्यूम अप और पावर के बटन को थोड़ी देर होल्ड रखना है। उसके बाद आपका फ़ोन जो भी कस्टम रिकवरी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर बूट करेगा। तो हम वॉल्यूम अप और पावर के बटन को थोड़ी देर होल्ड रखते हैं और थोड़ी देर में हमारा फ़ोन जो है कस्टम TWRP रिकवरी यानी कस्टम रिकवरी पर बूट करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने फ़ोन के अंदर पिच ब्लैक रिकवरी को यूज़ कर रहे हैं। आपका सारा डाटा डिलीट होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप बैकअप ज़रूर लें, क्योंकि आपका सारा डाटा जो है इस रोम को इंस्टॉल करने के बाद डिलीट हो जाएगा। आप वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे जाएंगे, डाल्विक कैश सिस्टम कैश डाटा और वेंडर को वाइप कर देंगे, इंटरनल स्टोरेज को आपने वाइप नहीं करना है। जैसे ये सारे पार्टीशन आपके वाइप हो जाते हैं, आप वापस इंस्टॉल पर जाके आप उस रोम की फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। आपको कोई जी एप्स की फाइल नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही फाइल चाहिए जो अराउंड 1.8 GB के आसपास का साइज़ है, जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, नियर अबाउट 1 मिनट के आसपास सारी फाइलों को, सारे सिस्टम, सारे विंडो और कर्नल्स को आपकी Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। जैसे ही रोम फ्लैश हो जाता है, आपको क्या करना है, वाइप कैश भी करना है, एक बार स्वाइप टू वाइप करना है। अगर आप ओरियो रोम से आ रहे हैं तो आप वाइप पे जाके फॉर्मेट डाटा करेंगे, अगर पाई रोम पे हैं तो आपको फॉर्मेट डाटा करने की जरूरत नहीं है, तो रिबूट सिस्टम कर देंगे। कुछ ही देर में आपका फ़ोन जो है रिबूट होगा। अगर आपका फ़ोन कोई पासवर्ड स्क्रीन मानता है तो वापस आप TWRP पे आएंगे, रिकवरी पे वाइप पे जाएंगे, फॉर्मेट डाटा वहाँ टाइप यस यानी यस लिखेंगे और फॉर्मेट डाटा करेंगे, तभी आपका फ़ोन जो है बूट कर पाएगा। तो ये देखिए Asus की बूट स्क्रीन आ चुकी है, Zenfone आपके सामने लिखा हुआ है, यानी रोम जो है सक्सेसफुली आपने फ्लैश कर लिया है। इसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन स्क्रीन आएगी जिनको आप सेटअप करेंगे और सारे के सारे इस रोम के फीचर्स अपने Redmi Note 5 Pro में एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।